अच्छा जी, सामने कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, मेट्स की तैयारी आई होप के चल रही होगी ठीक से, अच्छे से। मेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना ये चाहूंगी कि मेट्स में आपकी क्लासेस जो है वो होंगी, ठीक है, ऐसे ही चलेंगी। क्लासेस जो है वो कैंसिल नहीं हो रही हैं, बट इन केस के क्लासरूम अवेलेबल नहीं है तो अगर क्लासरूम अवेलेबल होगा तो क्लास के अंदर होगी नॉर्मल, जिस तरह से रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं। अगर क्लासरूम अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन जो है वो क्लास होगी, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लास लेंगे, बेहतर यही है क्योंकि क्लासरूम्स की अवेलेबिलिटी का जो है ना थोड़ा सा इशू ही रहेगा। अगर उस स्लॉट के अंदर हमारा जो लेक्चर का टाइम है उसमें अगर आपका कोई पेपर है, एग्जाम है, तो वो एक अलग बात है। आप लोग जस्ट मुझे एक ईमेल करके बता दें कि आपका फलां टाइम पे जो है वो एग्जाम है तो आप क्लास में नहीं हो सकते, इट्स ओके, आपके अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा। एग्जाम जो है वो आपके लिए देना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू क्लास लेना, बट अगर एग्जाम नहीं है तो आपका क्लास में आना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट ऑनलाइन जो है वो आपकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी होगी। एज फार एज कि हम आगे कुछ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो वो हम देख लेंगे कि नया कुछ अगर हम ना भी पढ़ना चाहें हम ठीक है नहीं पढ़ेंगे, बट अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो चीजें हम उस टाइम पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास जरूर होगी, ये मत समझिएगा कि मिट जाए तो उसमें क्लासेस नहीं होनी, क्लासेस आपकी होनी है साथ के साथ। राइट नाउ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, ज्यादा आज भी नहीं पढ़ेंगे। आप लोग पुरानी चीजें हैं थोड़ी सी, एल्बो की जो है वो एनाटॉमी और थोड़ी सी जो है वो बायोमैकेनिक्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर जो इसके प्रॉब्लम्स हैं और ट्रीटमेंट वगैरह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर करना होगा करेंगे, अदरवाइज फिर हम उसको मेट्स के बाहर ले जाएंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा जो है वो इसको कवर करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग मिड्स का जो सिलेबस है उसमें से कुछ पूछना चाहेंगे तो आप उसमें से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ लेक्चर को। आज हमने जो एल्बो और फोर आर्म कॉम्प्लेक्स है इसको डिस्कस करना है, बेसिकली इसको देख लेते हैं। ये आपके पास एनाटॉमी है एल्बो जॉइंट की, तीन बोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, एंड देन अल्ना बोन आ जाती है। अल्ना आपकी मीडियल बोन है और रेडियस आपकी लैटरल बोन है। ये तीनों बोन्स जो है वो मिलके आपका जॉइंट बना रही हैं जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू जो है वो आपको दिखाया हुआ है और इसमें डिफरेंट जो है वो एरियाज जैसे कि कोरोनाइड फोसा है, देन आपके पास ओलिक्रोनन प्रोसेस इसका आ जाता है, ये ओलिक्रोनन प्रोसेस, इसके अलावा रेडियल नॉच है अल्ना के ऊपर जो प्रेजेंट होती है जिसमें जाके आपकी रेडियस बोन ने फिट होना होता है टू मेक रेडियो अल्ना जॉइंट, ठीक है जी। और ये ह्यूमरस के जो है वो दो कंडाइल्स हैं, लैटरल और मीडियल कंडाइल। ये आपकी जो है वो जनरल एनाटॉमी है एल्बो जॉइंट की। इसके बाद हमारे पास ये जो पिक्चर आ रही है इसमें आपको अटैचमेंट्स दिखाई हुई है खास तौर पर लिगामेंट्स की, ठीक है। टेंडन भी है इसके अंदर, ये आपको बाइसेप का टेंडन नजर आ रहा होगा, बाकी आपके पास लिगामेंट्स हैं। और लिगामेंट्स जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉइंट के अंदर जो दो लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो उसी तरह से लैटरल और मीडियल साइड के ऊपर प्रेजेंट है जिसको हम लैटरल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहेंगे। रेडियस और ह्यूमरस को कनेक्ट करने वाला क्योंकि लैटरल लिगामेंट है उसको हम लैटरल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं, और मीडियल साइड पे आपकी अल्ना बोन प्रेजेंट है तो अल्ना और ह्यूमरस को कनेक्ट करने वाला जो लिगामेंट है दैट इज मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इनके कुछ और फर्दर पार्ट्स हैं, कुछ थोड़ी डिविजन्स हैं इन लिगामेंट्स की, वो आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपके पास एनुलर लिगामेंट इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके रेडियस के हेड को अटैच करता है एट रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, ठीक है। और छोटे छोटे कुछ लिगामेंट्स हैं उनको भी आगे जो है वो फर्दर उसकी डिटेल में देखते हैं।
राइट नाउ इसकी अगर हम डिटेल डिस्कस करें एल्बो ज्वाइंट की, तो जो एल्बो ज्वाइंट है ये एक फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट है, लेकिन स्ट्रॉन्गली स्टेबल ज्वाइंट है। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको रेडियस या अल्ना या एल्बो ज्वाइंट जिसको हम कहें कि वो उसकी डिसलोकेशन जो है वो ज्यादा मिलती हो। कॉमन नहीं है, हो जाती है बट इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। ऑल्दो के ये एक ही जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो वन है, यानी एक ही एक्सिस के अराउंड ये आपकी मूवमेंट जो है वो परमिट करता है, बट उस डिग्री जो आपकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अंदर भी जो मूवमेंट है, मूवमेंट की रेंज अच्छी खासी हमें प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें हम हमारी जो अपर लिम्स में एल्बो है वो बड़े अच्छे से वर्क करती है। जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैं हमारी डेली लाइफ की उसमें 100 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। मतलब 0 से लेके 100 डिग्रीज तक आपकी जो है ना वो रेंज फ्लेक्शन की रिक्वायर्ड है। उसके अंदर हमारी ऑलमोस्ट सारी जो एक्टिविटीज है ना वो कंप्लीट हो जाती है। अब हालांकि अगर देखा जाए तो एल्बो की जो रेंज ऑफ मोशन है फ्लेक्शन की वो 100 पे खत्म नहीं होती, वो उससे ज्यादा है, लाइक 140 150 तक जो है वो इसकी रेंज आती है फ्लेक्शन की। बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। वो कैसे? क्योंकि आपकी ये जो फ्लेक्शन की रेंज है ये इसको लिमिट करते हैं आपके मसल बल्क, आपके फोरआर्म का बल्क और आपके बाइसेप का बल्क, ये आपकी रेंज को जो है वो लिमिट करता है। क्योंकि जब मसल मसल अप्रोक्सीमेट करता है तो वहां जाके आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है ज्वाइंट की वो रुक जाती है। अब अगर एक पर्सन ऐसा है जिसका बल्क बहुत ज्यादा है, लाइक आप बॉडी बिल्डर कंसिडर कर लें या कोई बहुत ओबीज पर्सन जो है वो कंसिडर कर लें, तो उनका क्योंकि बल्क ज्यादा है वो बल्क जल्दी जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, वो 150 और 140 से भी पहले जो है वो रेंज खत्म हो सकती है। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। हम एल्बो ज्वाइंट शुरू किया हुआ था हमने, आ जाओ। एल्बो ज्वाइंट हम पढ़ना शुरू कर रहे थे, ठीक है, उसको अभी स्टार्ट किया है तो उसको दोबारा जो है वो आप दो तीन चीजें अभी मैंने बताई हैं उसको आप लोग भी जो है वो साथ ज्वाइन कर लो। एल्बो ज्वाइंट में हम बात कर रहे थे कि ये आपका ज्वाइंट फ्रीली है, मोबाइल ज्वाइंट है बट स्टेबल काइंड ऑफ ज्वाइंट है, ठीक है। और इसकी जो रेंज ऑफ मोशन की अभी मैं बात करी थी वो ये है कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज जो हम नॉर्मल लाइफ में काम कर रहे हैं वो 100 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन तक हमें रिक्वायर्ड होती है, उसके अंदर अंदर सारे काम हमारे ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि ये 100 जो है वो लास्ट रेंज है, 100 से ज्यादा जो है वो एक्चुअली रेंज है, 140 150 तक जो है वो रेंज आती है। बट क्या है कि जो रेंज है ये 100 डिग्रीज तक तो एक्टिविटीज के लिए है, इससे ज्यादा की जो रेंज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लाइक अगर कोई ओबीज पर्सन है जिसके मसल्स का बल्क बहुत ज्यादा है या कोई बॉडी बिल्डर है जिनके बल्क बहुत ज्यादा होते हैं, अब वो जो फ्लेक्शन करेंगे तो जो दो बल्क हैं आपके फोर आर्म की और बाइसेप का बल्क जब वो अप्रोक्सीमेट करेगा तो वहां पे जाके लिमिट आ जाएगी रेंज की। अदरवाइज अगर हम वो बल्क निकाल दें तो हो सकता है उनकी ज्वाइंट की जो रेंज है वो बढ़ जाए। इसी तरह से अगर कोई बहुत ज्यादा लीन पर्सन है तो वो 150 तक भी उसकी रेंज आ सकती है। तो ये मैटर करता है आपकी फिजीक के ऊपर, आपके मसल बल्क के ऊपर, मसल मास के ऊपर। लेकिन जो हमारी डेली लाइफ है ना उसमें 100 डिग्री तक हमें रिक्वायर्ड है फ्लेक्शन, उसके अंदर अगर हम सारे काम कर लेते हैं उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द हमारी डेली एक्टिविटीज है उसमें जो हमारे फ्लेक्शन की रेंज जो रिक्वायर्ड है, जो एक आर्क बनती है जो रेंज है वो 30 से 100 तक की रेंज है। कि जो डेली एक्टिविटीज हैं उसमें ज्यादा काम हम 30 से शुरू करते हैं और 100 के अंदर अंदर जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो हमारे एरियाज कौन से हैं, उसमें हमारी ईटिंग है, टॉयलेटिंग है, बाथिंग है, ड्रेसिंग है, इवन राइटिंग जो आई एरियाज के अंदर आ जाता है और बहुत सारे जो काम है हमारे, ड्राइविंग कह लें, ये सारी चीजें जो है वो आपकी फोर आर्म्स में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें चार ज्वाइंट है। हम इसको एल्बो कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मोर देन वन ज्वाइंट जो है वो इन्वॉल्व है। अब वो कौन कौन से हैं? एक ज्वाइंट है आपका ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान में बनता है, ठीक है, जिसको हम रेडियो या ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ज्वाइंट है हमारा ह्यूमरो अल्नर, जो कि ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में बनेगा क्योंकि यहाँ पे दो बोन्स हैं, दो ज्वाइंट्स ये हो गए। उसके अलावा दो और ज्वाइंट्स हैं जो कि अब आपके, जिसको हम ट्रू एल्बो ज्वाइंट तो हम नहीं बोल रहे क्योंकि वो आपका रेडियस और अल्ना के दरमियान में, एक आपका प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना ज्वाइंट और एक आपका डिस्टल रेडियो अल्ना ज्वाइंट जो कि आपके रिस्ट लेवल पे आ जाता है। अब है तो ये रिस्ट का ज्वाइंट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सुपीनेशन प्रोनेशन है
वो आपकी इन्वॉल्व है. जब आप फोर आर्म की सुपिनेशन प्रोनेशन करते हो तो उसमें आपका प्रॉक्सिमल जॉइंट भी आ जाता है और डिस्टल जॉइंट भी आ जाता है, इसलिए हम इन दोनों जॉइंट्स को कंसिडर करते हैं इन एल्बो कॉम्प्लेक्स. ठीक, तो ये चार जॉइंट्स जो है ये मिलके आपका बेसिकली एल्बो या फोर आर्म कॉम्प्लेक्स जो है वो बना रहे हैं. ठीक, अब इसमें जो आर्टिकुलेशन है वो क्या है कि ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद अल्ना. ठीक है, ह्यूमरस के जो दो कंडाइल्स हैं उनके दो डिफरेंट नाम्स हैं. ट्रोक्लिया जो है वो आपकी अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और कैपिचुलम जो आपका कंडाइल है वो अटैच होता है किसके साथ, रेडियस के साथ. रेडियल नॉच एट अल्ना आर्टिकुलेट्स विद रेडियस. अल्ना बोन के ऊपर एक नॉच है जिसको हम कहते हैं रेडियल नॉच ऑफ अल्ना. वहां जाके आपकी जो रेडियस का हेड है वो अटैच होता है, वो आर्टिकुलेट करता है और उससे आपका क्या बनता है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है जो कि मेन जॉइंट है आपकी सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट का. अब इसमें मूवमेंट्स क्या है, अगर हम ट्रू जॉइंट की बात कर रहे हैं एल्बो जॉइंट की जिसमें रेडियस अल्ना और ह्यूमरस इन्वॉल्व है, उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो ह्यूमरल अल्नर जॉइंट के ऊपर मेन ज्यादा उसके ऊपर आती है. ठीक है, अल्ना ह्यूमरल के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है. इसके अलावा जो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है उसके ऊपर दो के अलावा दो और मूवमेंट्स भी आ जाती है. क्यों, वही वाली बात कि अभी रेडियस ने अल्ना के साथ भी अटैच होना है. ठीक है, तो वो भी मूवमेंट जो है वो आपकी इसी जॉइंट के ऊपर आ रही है. तो यहाँ पे हम चार मूवमेंट्स की बात करें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो जो हो रही है हो रही है, उसके अलावा आपकी यहाँ पे सुपिनेशन और प्रोनेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है. बाकी जो सुपिनेशन और प्रोनेशन है वो डिस्टल के ऊपर भी आ रही है और प्रॉक्सिमल के ऊपर भी. प्रॉक्सिमल ने तो करना ही है, साथ में डिस्टल के ऊपर भी आपकी ये सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट आएंगे. अब इसमें जो लिगामेंट इन्वॉल्व है ये भी मैंने पहले जिक्र किया था आप लोगों के आने से पहले, यहाँ पे दो लिगामेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, एक लैटरल साइड का और एक मीडियल साइड का. लैटरल साइड पे ह्यूमरस को रेडियस के साथ कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, उसको हम कह रहे हैं लैटरल लिगामेंट या उसका दूसरा नाम है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट. ठीक है, मीडियल साइड पे आपको जो अटैचमेंट है वो ह्यूमरस और अल्ना की है और उसको हम कहेंगे मीडियल लिगामेंट या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट. उनके फर्दर कुछ और पार्ट्स भी हैं, डिविजन हैं कुछ. अब जो मीडियल या अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है उसके इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ट्रांसवर्स पार्ट है. ठीक, और लैटरल का जो है वो उसको हम एक ही पार्ट है उसका लैटरल कोलैटरल हम उसको बोल रहे हैं. अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है और छोटे छोटे कुछ और लिगामेंट है लाइक एनुलर लिगामेंट. एनुलर लिगामेंट ये वो वाला लिगामेंट है जो आपके रेडियस के हेड को नॉच के साथ कनेक्ट कर रहा है, अल्नर नॉच के साथ. ठीक है, अल्ना के ऊपर जो रेडियस नॉच है वहां पे उसको कनेक्ट कर रहा है. तो ये आपका अल्नर लिगामेंट है. इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, अभी पहले हमने डिस्कस की थी. ये कुछ इस तरह की इसकी जो ये आपको राउंड शेप में जो नजर आ रहा है ये बेसिकली एनुलर लिगामेंट है जो कि रेडियस के हेड पे रोटेट करके उसको सारा का सारा कवर करके उसने क्या किया हुआ है, अल्ना के साथ अटैच किया. यहाँ पे जो है ये अल्ना कोलैटरल लिगामेंट है. ठीक, इसके ये कुछ डिविजन्स है, कुछ पार्ट्स हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा. ये जो अभी हमने तीन पढ़ी है, इंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स, ये उसके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं. ठीक, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मूवमेंट्स है एल्बो फ्लेक्शन, अब उसमें जो आपके प्राइम मूवर्स में आ जाता है ब्रेकियालिस मसल है, बाइसेप ब्रेकाई है और ब्रेको रेडियालिस है, स्पेलिंग की मिस्टेक है यहाँ पे, ब्रेको रेडियालिस मसल. ठीक है, ये तीनों मसल्स आपके जो है वो फ्लेक्शन के अंदर जो है वो वर्क करते हैं. ट्राइसेप आपको पता है पोस्टीरियर मसल है, ये एक्सटेंशन में वर्क करेगा और उसके साथ जो उसको असिस्ट करने वाला मसल है वो है एंकोनियस. ठीक, आपका ट्राइसेप प्राइम मूवर है और असिस्टेंस में उसके साथ आ जाता है इंकोनियस मसल. इसी तरह से फिर आगे आपके पास फोर आर्म की अगर हम सुपिनेशन की बात करें तो इसमें प्राइम मूवर आपके पास दो हैं, एक सुपिनेटर है और दूसरा बाइसेप ब्रेकर है. ठीक, और साथ में इसको असिस्ट करने वाला मसल है ब्रेको रेडियालिस. राइट, हो गया. अब हालांकि अगर ये ब्रेको रेडियालिस की बात करें और या बाइसेप ब्रेकाई की बात करें तो ये फ्लेक्सेस भी हैं. ठीक है, और साथ में सुपिनेटर्स भी हैं. तो एक मसल क्या सिर्फ एक ही वर्क नहीं है, उसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं. किसी जगह पे वो प्राइम मूवर के तौर पे काम कर रहा होता है, किसी में वो सिर्फ फिक्सेटर होता है, किसी में वो असिस्टेंस के तौर पे कर रहा होता है. ठीक, तो एक मसल जो है वो डिफरेंट मूवमेंट्स में वर्क कर रहा होता है. इसी तरह से फोर आर्म जो प्रोनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो मसल है, प्रोनेटर टीरीज है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस है. अब इनकी मैं अगर आपको पिक्चर्स दिखा दूं तो ये आपके पास बाइसेप है, इसके दो हेड्स हैं. ठीक, पुरानी सारी बातें इसको जो से रिवाइज कर लेते हैं, दो हेड्स हैं, एक लॉन्ग हेड है, शॉर्ट हेड है
और बेसिकली ये टू जॉइंट मसल है, शोल्डर को भी क्रॉस कर रहा है और आगे जाके ये बिट जो रेडियल ट्यूब्रोसिटी है उसके ऊपर जाके ये अटैच होता है। टू जॉइंट एक्टिंग मसल है और प्राइम मूवर है आपका फ्लेक्सर में भी और सुपीनेशन में भी। देन आपके पास ये दो मसल्स हैं, क्रैको ब्रेकियालिस है और आपका ये ब्रेकियालिस मसल, ठीक है, भी आपके जो है वो फ्लेक्सर फ्लेक्शन में इम्पोर्टेंट है। देन ब्रेकोरेडियालिस ये आपके रिस्ट तक जो है वो जाता है, ठीक, डिस्टल ह्यूमरस से स्टार्ट होके ये रिस्ट तक आपके जो है वो अटैचमेंट देता है। ये आपके प्रोनेशन के मसल्स हैं, प्रोनेटर टेरीज और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक हो गया। और उसके बाद पोस्टीरियर साइड पे ये इंकोनियस मसल है जो आपका एक्सटेंसर मसल, ठीक, एक्सटेंशन में आपको हेल्प आउट करेगा ट्राइसेप को। अच्छा, यहाँ भी सुपीनेटर मसल भी प्रेजेंट है जो कि सुपीनेशन में आपको हेल्प आउट कर रहा है। अब सुपीनेशन के साथ एक चीज इन्वॉल्व है आपकी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जब आपकी ह्यूमरस के बैक साइड से फिर रोटेट करके ये जो सामने की तरफ आती है फ्रंट पे, तो ये सुपीनेटर मसल के नीचे से गुजरती है। अब कोई भी प्रॉब्लम अगर सुपीनेटर मसल के अंदर आता है, उसका ओवर यूज है या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, तो पॉसिबल हो सकता है कि वो आपकी रेडियल नर्व को भी क्या करे, अफेक्ट करे, और वो जो रेडियल नर्व के साइन और सिम्टम्स है वो पॉसिबल हो सकता है कि आपके फील होना शुरू हो पेशेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जो नर्व्स हैं, जो रेफर्ड पेन का जो पैटर्न है, जो आपके डर्माटोमल पैटर्न है, वो कुछ इस तरह से है कि C5, C6, T1 एंड T2 नर्व रूट्स जो है वो इन्वॉल्व है। अब किस तरह से, ये आप पिक्चर में गौर करें कि आपके पास ये जो C5 है ये बेसिकली आपकी जो अपर आर्म है उसका लेटरल एरिया जो है उसको सप्लाई करता है C5, ठीक, और C6 जो है वो आपकी फोर आर्म का जो लेटरल एरिया है ये उसको सप्लाई करता है। C5 के बाद C6, हैंड की तरफ हम नहीं जा रहे, हैंड में वो जो भी एरिया है उसको हमने अभी देख रहे क्योंकि हम अभी एल्बो की बात करें, तो ये एरिया आपका C5, C6। अच्छा, अब C7 और C8 जो है ना वो आपकी है हैंड की सप्लाई, उसको अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे। हैंड को अगर हम निकाल लेते हैं तो वापस अब मीडियल साइड पे आ जाएं, तो मीडियल साइड पे फोर आर्म की जो मीडियल साइड है वो T1 से सप्लाई हो रही है और अपर आर्म की जो मीडियल साइड है वो T2 से सप्लाई हो रही है। तो ये आपकी चार नर्व रूट्स हैं जो कि डर्माटोमल पैटर्न जो यहाँ पर रेफर्ड पेन का पैटर्न बनता है कि अगर इन नर्व रूट्स के अंदर प्रॉब्लम है तो सेंसरी चेंजेस जो हैं वो आपको इन एरियाज में जो है वो आ सकती हैं। अब पेशेंट आके अगर आपको कहे कि जी मेरी मीडियल साइड फोर आर्म की जो है वो सुन रहती है, नमनेस रहती है, उसमें कीड़ियाँ चलती रहती हैं, कोई मसला भी नहीं है, कोई पोजिशन का भी मसला नहीं है, तो आपका दिमाग किधर जाना चाहिए कि ये डर्माटोमल पैटर्न जो है वो किसका बन रहा है, T1 का बन रहा है। तो T1 के जो लेवल पे है आप उसको ट्रीट करें, उसको देखें, उसको असेस करें, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो नर्व रूट हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स यानी एल्बो कॉम्प्लेक्स एरिया फोर आर्म जो एरिया है उसको यहाँ पे ये सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ की मेन नर्व्स हैं एल्बो जॉइंट की और फोर आर्म की, वो वही हमारे पास जो अपर लिम की तीन इंपॉर्टेंट मेन नर्व्स हैं, अल्नर, मीडियन और रेडियल। यहाँ पे इनकी इंजरीज जो है वो पॉसिबल है और अल्नर नर्व की जो मोस्ट कॉमन साइट है कंप्रेशन की वो है क्यूबिटल टनल। क्यूबिटल टनल मतलब क्या चीज है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपकी जो मीडियल साइड है अल्ना बोन यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल यहाँ पे अल्नर साइड पे आपको जो है वो एक ग्रूव मिलता है पोस्टीरियर साइड पे। अगर आप हाथ लगा के भी फील करो तो यहाँ पे आपको बोन की जो कंडाइल है उसके साथ आपको जो है ना एक ग्रूव मिलता है। और अक्सर हमने इस चीज को फील किया होगा कि अचानक से जो हमारी एल्बो है किसी हार्ड सब ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो मजा आ जाता है उस टाइम, एक दफा वो एक करंट टाइप जो है वो फीलिंग आपकी जनरेट होती है और ऑल द वे वो आपकी लिटिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है वहां तक आपको फील होती है, वो सनसनाहट सी करंट कह लो, किसी भी तरह से आप उसको जो शार्प सी पेन होती है वो जैसे ही हिट करती है हम फौरन वो पेन आता है और हम वहां से अपनी जो है ना वो एल्बो हटा लेते हैं एंड वो द विद इन अ सेकंड वो चीज जो है वो खत्म भी हो जाती है, वो जो हमें फीलिंग फील होती है। वो बेसिकली क्या है कि ये टनल आपकी क्या है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बोन है, उसके अंदर से नर्व पास कर रही है और जब आपकी एल्बो जो है दूसरी तरफ जो कि सॉफ्ट टिश्यू एरिया है वो जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो आपकी नर्व दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। अब जब वहां पे वो कंप्रेस होगी तो फॉर द टाइम बीइंग चाहे वो फ्रैक्शन टाइम है सेकेंड्स का, लेकिन उसमें वो क्या है कि वो कंप्रेशन इससे आगे जितना एरिया है वहां पे आपको फील होता है, वो ट्रेवल करता हुआ जो है वो आपको पेन फील होता है। बट इन केस ये तो था
फ्रैक्शन ऑफ टाइम की हम बात करें कि थोड़ी सी चोट लगी एंड देन वो खत्म, बट अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपका जो जो कंप्रेशन है फॉर द लार्जर टाइम के लिए उस पर अप्लाई हो रहा हो, तो उस वक्त फिर क्या है कि वहां पे आपकी नर्व इंजर कर सकती है और वो आपकी फिर कंप्रेशन का जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फिर प्रोसेस्ट कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग होंगे, फिर उनके लिए आपको ट्रीटमेंट भी चाहिए हो सकता है। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है आपकी, नहीं बल्कि वो रेडियल नर्व के साथ है। यहाँ पे ये इसके अल्ना नर्व की जो है वो इंजरी, ये रेडियल नर्व के बताने लगी हूँ कि आप दूसरी नर्व जो है वो आपके पास है मेन नर्व रेडियल नर्व। रेडियल नर्व आपकी कंडाइल से जो है वो रोटेट होके उससे घूम के वो क्या करती है आगे की तरफ आती है, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर भी नजर आ रहा हो। यहाँ से ये फ्रंट पे आएगी, सुपीनेटर मसल के नीचे से गुजरेगी एंड देन फिर वो ट्रेवल करेगी। एक तो प्रॉब्लम आ गया कि सुपीनेटर मसल जो है अगर उसका ओवर यूज है तो आपकी नर्व को कंप्रेशन के साइंस आ सकते। सेकेंड इसमें ये चीज है कि आपका क्योंकि यहाँ पे ओरिजन है, कॉमन ओरिजन है एक्सटेंसर मसल्स का, तो एक्सटेंसर मसल्स और खास तौर पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस इस मसल के नीचे से भी गुजरते हुए क्या है कि ये समटाइम्स इंट्रैप हो जाती है। इंट्रैप होगी, अगेन कंप्रेशन के साइंस होंगे और वो आपके हैंड में और जहां जहां वो सप्लाई कर रही है वहां पे आपको कंप्रेशन के टिंगलिंग नमनेस वगैरह फील हो सकती है। एक और प्रॉब्लम आता है जहां पे रेडियल नर्व जो है वो इंजर होती है, वो है रेडियस बोन का फ्रैक्चर। रेडियस हेड जो है उसका फ्रैक्चर अक्सर जो है ना वो ये कॉमन है फ्रैक्चर, और अनफॉर्चुनेटली कह लो कि इसका जो फ्रैक्चर होता है ना रेडियस हेड का, ये कॉम्यूनेटेड टाइप का होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और वो कोई ना कोई पीस जो है ना वो आपकी नर्व को इंजर कर सकता है क्योंकि ये बिल्कुल रेडियस हेड के ऊपर से पास कर रही है। तो कह लो कि बस बाय नेचर ये चीज इस तरह की कि इसका जब फ्रैक्चर होता है एक तो कॉमन है और कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन ये भी आ जाती है कि नर्व भी फिर आगे से क्या है इंजर कर जाती है। और रेडियल नर्व जब आपकी इंजर करेगी तो उसके इफेक्ट क्या आएगा कि आपका वो जो रिस्ट है ना ये ड्रॉप कर जाती है, आपकी ये जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म है एक्सटेंशन का एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियल नर्व ने आपके एक्सटेंसर्स को सप्लाई करना है रिस्ट के, ठीक है, इनका पैरालिसिस हो जाएगा, नर्व नहीं रहेगी तो पैरालिसिस। अब वो जो एक्सटेंशन है ना रिस्ट की वो नहीं हो पाती है और वो आपकी रिस्ट जो है ना वो इस तरह से ड्रॉप फॉर्म में जो है वो पेशेंट की मिलती है, आपके एक्सटेंसर्स का जो है वो एट्रोफी भी होना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट है बट बहुत स्लो है, नर्व का ट्रीटमेंट हमेशा स्लो होता है, हो जाते हैं लोग ठीक बट टाइम लगता है, किया है प्रोग्नोसिस देखा है हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास आया कब। अगर इंजरी के फौरन बाद आ गया है तो देयर आर स्टिल गुड चांसेस कि आपकी जो है वो रिकवरी हो जाती है और माइल्ड सा कोई रेजिड्यू अगर रहे तो रहे उसकी वीकनेस वगैरह का, लेकिन हो जाता है ठीक। लेकिन अक्सर होता ही है कि लोग उसको इतना ख्याल नहीं करते, वो आते हैं बड़ी देर के बाद, तो उस वक्त तक वो जो नर्व की रीजनरेशन है ना वो भी बड़ी स्लो डाउन हो चुकी हुई होती है, तो फिर उसमें जो है ना वो फिर काफी कमी वगैरह रह जाती है। रेडियल नर्व एक और वजह से भी ये जो रिस्ट ड्रॉप है वो प्रॉब्लम आता है जो गलत इंजेक्शन लग जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पे अपर आर्म पे जो है वो इंजेक्शन लगवाया था लेकिन वो किसी ने गलत जो है वो रेडियल ग्रूव में लगा दिया, पीछे की तरफ थोड़ा सा लगा दिया, वहां पे वो डायरेक्ट आपकी जो है वो नर्व के अंदर लग जाता है, तो उस केस में भी जो है ना वो आपका रेडियल नर्व इंजरी की वजह से रिस्ट ड्रॉप का केस बन जाता है। दोबारा एल्बो के एरिया में जो है ना वो आपका ये रेडियस का फ्रैक्चर है, सुपीनेटर मसल की इन्फ्लेमेशन है या फिर जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस है इसके नीचे जो है वो नर्व की इंट्रैपमेंट है, ठीक है, ये तीन चार उसके कॉजेज हो सकते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास आ जाती है मीडियन नर्व की, जो आपकी एल्बो की फ्रंट पे आपका ये जो क्यूबिटल फोसा बनता है ट्राइंगल सी बनती है जिसमें आपका टेंडन्स भी है, नर्व भी है और आर्टरी भी है ब्रेकियल आर्टरी, जहां पे आपका पल्स भी आपको फील होती है और जहां से अक्सर आप वो जो ब्लड सैंपल भी अगर देना हो तो वो जो वेन से आपका ब्लड सैंपल लेते हैं वो भी इस एरिया से लेते हैं, एल्बो एरिया से, ठीक है, एल्बो की बात कर रही हूँ नॉट रिस्ट, एल्बो राइट। अब वहां पे अब मीडियन नर्व जो है वो इंट्रैप कर सकती है इस क्यूबिटल फोसा के अंदर। अब अगर मीडियन नर्व इंट्रैप करती ना तो वो एग्जैक्टली वो मिमिक करती है सीटीएस को, कार्पल टनल सिंड्रोम, हैंड के अंदर वो जो हमने कार्पल टनल के सिम्टम्स पढ़े थे, टिंगलिंग है, नमनेस है, वो मूवमेंट जो है वो मोटर लॉस भी हो रहा है, सेंसरी भी लॉस है, वो
सीटीएस वाले जो है ना वो सिम्टम्स लेना शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम देखो, हैंड के अंदर आपको जो है वो फील हो रहा है, पेशेंट ने आके आपको कहना है कि जी मेरे हाथ के अंदर मसला है। अब अगर आप उसके हाथ को ट्रीट करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? नहीं। प्रॉब्लम अराइज कहाँ पे हुआ है? एल्बो रीजन में। तो मीडियन नर्व या नर्व जो है वो जहां पे इंजरी हुई है, जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे साइन सिम्टम्स हैं। उससे जो डिस्टल एरिया होता है नर्व इंजरी का, वो अफेक्ट होता है। तो जहां पे भी आपको जो है वो नर्व के साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, उससे प्रॉक्सिमल एरिया को जरूर चेक करें। अब अगर ये जो आपका ये है टॉस वाला जो प्रॉब्लम है, वहां पे भी टॉस में भी आपको पता है कि ये जो आउटलेट एरिया बनता है वहां पे भी आपकी नर्व इंजर हो सकती है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स आपको हाथ में मिलेंगे, सीटीएस वाले मिलेंगे। तो आप हाथ को ट्रीट करते रहो, आपने नहीं देखा, रिस्ट को पहले चेक करें, एल्बो को चेक करें, आप अपने ये जो आउटलेट बनता है उसको चेक करें, देन असेस करें कि असल प्रॉब्लम जो है ना वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करें। हैंड को तो ट्रीट करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप कॉज एरिया को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि जो सीटीएस है, अगर पेशेंट कार्पल टनल का आता है तो प्रॉब्लम मीडियन नर्व के कोर्स में कहीं पे भी हो सकता है, राइट? अच्छा, अभी बस हम इसको यहां तक रख रहे हैं आज के लिए, लेकिन थोड़ी सी एक और चीज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स को डिस्कस करना है। मैं पिक्चर आपके सामने जो है वो एल्बो ज्वाइंट की खोल देती हूँ। ये आपके पास एल्बो ज्वाइंट की एनाटॉमी है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स है, यानी जो एक्सेसरी मूवमेंट है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एल्बो ज्वाइंट के अंदर, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें रूल कौन सा लगता है, इज इट कनकेव और कन्वेक्स? पिक्चर आपके सामने है, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों में से कोई आवाज नहीं आई मुझे। एल्बो जॉइंट में हम, चलो ओपन चेन बता देती हूँ, ओपन चेन मूवमेंट के अंदर जो रूल है वो कौन सा रूल लगेगा? ओपन चेन मूवमेंट है, ठीक है, एल्बो जॉइंट के ऊपर रूल कौन सा अप्लाई होगा, कनकेव और कन्वेक्स? कनकेव। आप लोग बताओ, सांस ले लो दो मिनट। हाँ जी, अच्छा ओपोजिट बता दिए। हाँ जी, ओपन है ना, डिस्टल ओपन रहेगा, एंड पार्ट ओपन है, एंड पार्ट फिक्स नहीं है, क्लोज के अंदर जो है ना वो एंड पार्ट फिक्स होता है, डिस्टल पार्ट मतलब के ओपन में आपका हैंड मूव कर रहा है, हैंड फ्री टू मूव है। कन्वेक्स रूल आप बताओ, बस उसने कह दिया, सेली ने कह दिया, सेली ले डूबेगी तुम्हें। हाँ जी आप बताओ, फिर कनकेव कह दिया उसने, किसने कहा कनकेव? ओपन में तो कनकेव ही लगेगा, हाथ भी दिया उसने तुम्हारा, मैं लड़ाई कराऊंगी तुम लोगों की। हाँ जी आप बताओ, क्या नाम था? नहीं समझ आई, हाय अल्लाह, इतनी सांची समझ नहीं आई, बाकी क्या करोगे? चलो मैं दोबारा बताती हूँ, आसान सी चीज है बेटा, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल पहली चीज आपने ये डिफाइन करनी है, ये डिसाइड करनी है कि आपकी जो मूवमेंट हो रही है उसमें कौन सी बोन मूव कर रही है। जॉइंट लेवल के ऊपर जो दो हैं या तीन बोन्स आपकी जॉइंट बनाती है, उसमें से कोई एक बोन मूव कर रही होगी या दो कर रही होंगी, कोई एक पॉइंट आपका फिक्स होगा जॉइंट के अंदर से। ठीक है, आपने सिर्फ पहले ये डिसाइड करना है कि बोन कौन सी मूव कर रही है। ओपन चेन मैंने आपको बता दी है, आपका हैंड फ्री टू मूव, दैट मीन्स कि रेडियस और उल्ना मूव कर रही है, ह्यूमरस आपकी फिक्स है। पिक्चर आपके सामने है, मुझे जरा इसकी शक्ल देख के बता दो कि ये कनकेव है कि कन्वेक्स है। अच्छा, इसमें से मुझे बताओ कि कन्वेक्स कौन सी है? अल्ला कन्वेक्स है, कन्वेक्स होती कैसी है?
बल्जिंग आउटवर्ड, बल्जिंग कंकेव, ये आपको रेडियस और अल्ना में से कोई बल्जिंग आउटवर्ड लग रही है? जो जॉइंट एरिया है, जिस सरफेस ने जॉइंट बनाना है वो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, बाहर से नहीं देखो, अंदर एरिया वाला देखो, जिसने ह्यूमरस के कंडाइल्स के साथ जॉइंट बनाना है, जो सरफेस बनानी है, ये ह्यूमरस है और ये लेट से नीचे बोन्स पड़ी है, ये एरिया और ये एरिया जो है ना, इसने जॉइंट बनाना है, बाहर वाली सरफेस नहीं देखो, अंदर वाली को देख के मुझे बताओ कि कनकेव है कि कन्वेक्स है? अल्ना कनकेव है और कन्वेक्स कौन सी है? अच्छा रेडियस, नहीं जॉइंट जो है वो एल्बो जॉइंट में रेडियस अल्ना दोनों जॉइंट बना रही, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, जरा गौर करो, आपने अल्ना कहा कि ये अंदर वाला एरिया, ये देखो, ये आपको ये डिप नजर नहीं आ रहा, उधर देखो ना, ये डीप पार्ट नजर नहीं आ रहा, ये आपको अंदर डीप पार्ट नजर नहीं आ रहा यहाँ से, ये रेडियस का है कि नहीं है? कन्वेक्स पार्ट है आपका, ये देखो गौर करो, ये बल्जिंग आपको नजर आ रही है, ये कंडाइल जो है ये बल्जिंग आउटवर्ड है, दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कनकेव, ये डीप है, जिस तरह से आपकी नी जॉइंट है ना, नी जॉइंट में फीमर्स के कंडाइल्स हैं वो बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं, ठीक है, और आपके जो टिबिया के प्लाटूस हैं जिसके अंदर मेनिस्काई पड़ा हुआ है वो अंदर से डीप है, सेम ही आपका जॉइंट उसी तरह का है। अब मुझे बताओ कन्वेक्स कौन सी है, कनकेव कौन सी है? कन्वेक्स है आपका ह्यूमरस बोन, ठीक है, उसके कंडाइल्स, और कनकेव है आपकी ये दोनों बोन्स, अल्ना भी और रेडियस भी। ये पोस्टीरियर साइड आपको दिखाई हुई है, इंटीरियर साइड पे देखो ज्यादा गौर करो, नहीं नजर आपको उसमें बेहतर आएगी उसकी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे तो ये सामने आ गई ना, ये वाला, ये जो आपकी ओलिक्रोनन प्रोसेस है ये सामने आ गया, ये आपको नजर ही नहीं आ रहा कि इसकी शेप कैसी है, इस पे गौर करो, ये आपको यहाँ पे डिप्स नजर आ रहे हैं, देखना आपने इंटीरियर या पोस्टीरियर से नहीं है, देखना आपने ऊपर से, ठीक है, सुपीरियर व्यू देखोगे तो आइडिया होगा कि अंदर से जॉइंट जो बना रही है वो सरफेस डीप है या बाहर को निकली हुई है, आ रही है समझ में? अच्छा अब मुझे बताएं कि ठीक हो गया कि जी आपने कहा कि ह्यूमरस जो है वो कन्वेक्स है और बाकी दोनों बोन्स कनकेव है, और अभी अभी हमने पहले डिसाइड किया था कि बोन्स मूव कौन सी कर रही है, अल्ना और रेडियस मूव कर रही है, दैट आर कनकेव, क्या पिक्चर क्लियर नहीं हुई? रुक जाओ, हम मैं आपको ना पिक्चर कोई दूसरी वाली निकाल के दिखाती हूँ, यहां से कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, ये आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि ये वाली आपको ये डिप नजर आ रहा है इसमें, है ना, और यहाँ पे ये आपको डिप नजर आ रहा है, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो जॉइंट जिस सरफेस ने बनाना है ये अंदर से डीप है, ये पार्ट डीप है, यहां से ये बाहर से देखोगे तो ये हेड आपको कन्वेक्स नजर आ रहा है, ठीक है, असल में जो ये
अल्लाह के साथ जो बन रहा है ना ये कन्वेक्स है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी, इसको जरा माइंड में रखना। ये जो ह्यूमरस के साथ जो बन रहा है ना ये डीप पार्ट है, ये भी आपका क्या है कनकेव पार्ट है। ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा अच्छा अब हम आगे चलते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंकेव पार्ट ने मूव करना है, दैट मींस कि रूल कौन सा होगा कंकेव। जो बोनी पार्ट ने मूव कर रहा है उसकी शक्ल जो है वही रूल लगेगा। वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स रूल, वो कंकेव है तो कंकेव रूल। राइट हो गया। अब आगे ये जो रूल है वो डिसाइड करता है कि फिर आगे आपकी डायरेक्शंस क्या है एक्सेसरी मूवमेंट की। अब एक दफा हमने डिसाइड कर लिया कि ये कंकेव रूल है, कंकेव रूल स्टेट्स कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कहते हैं बोन की मूवमेंट। बोन की मूवमेंट्स कौन सी होती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, रोटेशन। राइट, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इंटीरियर हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है, सुपीरियर होगी, इंफीरियर होगी या रोटेशन वाली होगी। ठीक हो गया। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, जॉइंट के अंदर होने वाली एक्सेसरी मूवमेंट की यानी स्लाइडिंग ग्लाइडिंग की डायरेक्शन भी सेम होगी। बोन की मूवमेंट अगर इंटीरियर हो रही है, स्लाइडिंग भी इंटीरियर जाएगी। बोन की मूवमेंट अगर पोस्टीरियर है, ग्लाइडिंग भी पोस्टीरियर होगी। कंकेव रूल यही कहता है। अब हमारे पास एल्बो में दो मूवमेंट्स हैं जो इन दो जॉइंट्स के ऊपर हो रही हैं, या फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। फ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है? इंटीरियर फॉरवर्ड। एक्सटेंशन की क्या है? पोस्टीरियर। राइट, तो आप मुझे जरा ये बताएं कि अब जो फ्लेक्शन है उसमें स्लाइडिंग की क्या डायरेक्शन होगी? इंटीरियर, क्योंकि डायरेक्शन सेम। पोस्टीरियर क्या होगी? एक्सटेंशन मूवमेंट है तो जो ग्लाइडिंग है वो भी पोस्टीरियर है। तो अगर आपने किसी की फ्लेक्शन को इंक्रीज करना है तो आप उसको इंटीरियर ग्लाइड ही दोगे, इंटीरियर ग्लाइड दोगे उसकी, वहां पे ऑसिलेशन दोगे, रिस्ट्रिक्शन वहां पे खत्म होगी, फ्लेक्शन बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, क्लोज चेन की बात कर लेते हैं। क्लोज चेन में कभी वो एक्सरसाइज देखी है, चिनअप्स, चिनअप्स करते हुए देखा है किसी को? बार के साथ हैंग करके अपने आप को अपलिफ्ट करना। उसमें क्या होता है कि आपके हैंड्स फिक्स्ड हैं बार के साथ और आप अपनी एल्बो के ऊपर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हो कम या ज्यादा और अपने आप को लिफ्ट करते हो ऊपर और नीचे। राइट, अब एल्बोज अगर आपकी हैंड्स वाली साइड अगर आपके फिक्स्ड हैं, दैट मींस के रेडियस और अल्ना आपकी फिक्स। अब एल्बो के ऊपर जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन आ रही है वो आ रही है रेडियस, वो सॉरी ह्यूमरस के मूव करने की वजह से। अब रूल उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमरस थी आपकी कन्वेक्स, कन्वेक्स शेप की थी। अब यहाँ पे जो है ना वो कन्वेक्स रूल कहता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट की डायरेक्शन और एसेसरी मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। फ्लेक्शन अगर आपकी इंटीरियर मूवमेंट थी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग होगी वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाएगी इन केस ऑफ क्लोज चेन। अब मैं करके नहीं दिखा सकती, लाइक अगर आपकी फर्स्ट करो कि ये फिक्स्ड है और यहां से आपकी ये चीज मूव कर रही है, राइट, अब ये आपकी ह्यूमरस जो है वो मूव कर रही है। ठीक, तो ह्यूमरस के केस में फ्लेक्शन जो है वो अगर आपकी इंटीरियर डायरेक्शन की मूवमेंट है तो आपके ज्वाइंट के अंदर जो ग्लाइड आएगी वो पोस्टीरियर साइड पे है। जब एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी तो वो आपकी एक्सटेंशन, क्योंकि पोस्टीरियर डायरेक्शन की मूवमेंट है तो ग्लाइड जो आएगी वो आपकी इंटीरियर तरफ आएगी। ठीक है, अब समझ आया? क्या नाम था? मैं हमेशा भूल जाती हूँ। अब समझ आया? याद रहेगा? पक्की बात है? सारे जॉइंट्स के ऊपर यही चीज अप्लाई होती है। स्टार्ट आपने कहाँ से करना है ये देखना है कि मूवमेंट ओपन है क्लोज है। एक दफा ये डिसाइड कर लो, फिर ये चीज डिसाइड करो कि कौन सी बोन मूव कर रही है। वो डिसाइड कर ली, ओपन और क्लोज मूवमेंट ये होती है कि अगर कोई भी मूवमेंट है उसमें आपका जो एक्सट्रीम डिस्टल पार्ट है, जिस जॉइंट के ऊपर मूवमेंट आ रही है उसका डिस्टल पार्ट अगर फ्री है, फ्री टू मूव है, दैट इज ओपन चेन।
ये हमारे पास एल्बो जॉइंट है, ठीक है। इसका एक्सट्रीम पार्ट क्या है? हमारा हैंड, ठीक है, डिस्टल जॉइंट। हैंड मेरा फ्री टू मूव है, फिक्स तो नहीं है इस पोजीशन में, ये जो मैं काम कर रही हूँ इसमें फिक्स तो नहीं है, मूव कर रहा है ना अपने साथ, ये ओपन चेन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं क्या करती हूँ कि ये मैंने फिक्स किया हुआ है, ठीक, ये मैंने यहाँ से रोस्ट्रम पकड़ा हुआ है, और ये मैं अगर आगे और ये पीछे हो रही हूँ तो इसके ऊपर एल्बो के ऊपर मूवमेंट आ रही है, मूवमेंट तो अभी भी एल्बो पे आ रही है, बट क्या ये डिस्टल पार्ट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड है, दैट इज क्लोज चेन, ठीक है। अगर आपका जो डिस्टल पार्ट है वो फ्री टू मूव है, दैट इज ओपन चेन, और अगर डिस्टल पार्ट अगर आपका फिक्स्ड है, दैट इज क्लोज चेन, राइट। हर ज्वाइंट में आपने यही दो तीन चीजें देखनी है, आपको रूल डिसाइड करने में कोई मसला नहीं होगा। एक दफा रूल पता चल गया कौन सा, तो वो हमें पता है कि कंकेव रूल क्या कहता है कन्वेक्स रूल का, बस उसके अकॉर्डिंग हमने फिर ग्लाइडिंग जो है ना उसको डिसाइड कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक जॉइंट और यहाँ पे बन रहा है, रेडियो अल्नर बन रहा है, इसको मैं अगली दफा बताऊंगी वीडियो के साथ, शायद थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर दे। ये याद रखो कि अब वो गौर करो कि वो जो रेडियस का हेड है, ठीक है, अब रेडियस का हेड का कौन सा वाला पार्ट बना? अब ये पार्ट जो है ना वो ज्वाइंट बना रहा है रेडियल नॉच के साथ। इसकी जरा मुझे शेप जरा गौर करके बता दो कि क्या है, कन्वेक्स है कि कंकेव है? अमर, सेम है, मतलब जो ह्यूमरस के साथ थी वही है, हाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये वाली सरफेस ने, अब इस सरफेस ने जहाँ पे ये कर्सर आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इसके साथ बनाना है जॉइंट। मुझे बताओ कि ये जो सरफेस है ये कन्वेक्स है कि कंकेव है? ये बल्जिंग आउटवर्ड्स नजर आ रही है कि डीप इनसाइड आपको नजर आ रही है? रेडियल नॉच अल्नर साइड पे है, ठीक है, और रेडियस का हेड, अब बताओ मुझे रेडियस का हेड कन्वेक्स है कि कंकेव है? ये याद रखना है कि रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट बनेगा उसमें रेडियल हेड जो है वो कन्वेक्स है। रेडियस ने जो ह्यूमरस के साथ बनाना था ना वो डीप पार्ट है, और उसका हेड बाहर से क्या है? कंकेव शेप का, कन्वेक्स है सॉरी। और अल्ना जो है ना जहां उसने जाके फिट होना है वो डीप पार्ट। बताया बताया बताने का तरीका ठीक नहीं था जो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, अगर सही बताया तो अच्छी बात। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, अगली दफा मैं इसको बताऊंगी कि इसमें रूल, तो चलो यहाँ पे रूल भी हम अगली दफा डिस्कस करेंगे, रूल और उसके बाद ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जो है ना, क्योंकि यहाँ पे होनी है सुपीनेशन और प्रोनेशन, ठीक है, इस जॉइंट के ऊपर, तो उसमें कौन से जो है वो रूल लगेगा और उसमें डायरेक्शन क्या होंगी वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी वीडियो के साथ आपको बताऊँ, ताकि वो विजुलाइज करना जो है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो 3D एंगल बनाना, वो थोड़ा इमेजिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने जो एल्बो जॉइंट है, ट्रू एल्बो जॉइंट, उसका याद रखना है आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक हो गया, अगली दफा पूछूंगी जब भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे नहीं, अभी हम जा रहे हैं, आज लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, और अभी मैं पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता रही थी, आप लोग उस टाइम पे नहीं थे, मिड्स के अंदर आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। अगर लेट्स से क्लासरूम अवेलेबल नहीं है तो वो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन के ऊपर आपकी क्लास होगी, ठीक है, लेकिन क्लास होनी है। हम आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे नया, आप बेशक अपना पढ़ लीजिएगा, जो मिड है जो भी पेपर है वो पढ़ लीजिएगा, सारा का डिस्कस करना है वो कर लीजिएगा, हम आगे कुछ नया नहीं पढ़े, लेकिन आपकी क्लास होनी है, प्रेजेंस आपकी जरूरी है, अनलेस अंटिल के उस स्लॉट के अंदर आपका एग्जाम हो, वो एक अलग बात है। मेरा ख्याल है हमारे सेकंड स्लॉट के अंदर था एग्जाम,
है ना, तो उसमें तो हमारा ये क्लास का टाइम नहीं बनता, तो वो आपने क्लास जो है वो जरूर ज्वाइन करनी है। बर्डन नहीं डाल रही आपके ऊपर आज सिर्फ स्टडीज का, लेकिन अपनी प्रेजेंस शो कर देना ताकि क्लास हेल्ड जाए, क्लास जो है ना वो मिस नहीं हो। ठीक है, मेरी तरफ से अटेंडेंस का जी बेटा वो आपको मेल कर दे, मैम भी जिनके पेपर्स हैं मतलब उस स्लॉट में वो आपको मेल कर दे। जी हाँ जी बिल्कुल, वही कहने लगी थी कि जिनका पेपर है, जिनका एग्जाम है उस हमारी क्लास वाले टाइम में, वो मुझे बस एक दफा ईमेल करके ना इन्फॉर्म कर दो, तो वो देख लेंगे, अटेंडेंस का कोई मसला नहीं। यहाँ तक कोई चीज ना समझ में आई हो या पुराना ही मतलब कैरा में से ही जो मेड्स में से आना है उसमें से कोई चीज डिस्कस करनी हो तो वो पूछ लो। अच्छा और कुछ? बस लॉकिंग अनलॉकिंग, स्क्रू होम मैकेनिज्म बेसिकली ये होता है लॉकिंग और अनलॉकिंग। देखो नी जॉइंट हमारा मोस्ट वो है वेट बेयरिंग जॉइंट, अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म ना हो कि ये आपके जॉइंट को ड्यूरिंग एक्सटेंशन फिक्स ना करे, तो हमारा तो वेट अपने बॉडी का इतना है कि हमेशा जो है ना वो बकल कर लेगा। कभी वो बचपन में किया हो कोई किसी फ्रेंड के साथ या खड़े हुए हैं और पीछे से आके जो है वो नी को ऐसे करके जो है वो हिट किया हो, तो वो अगले का क्या है बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वो बकल करना हम उसको बोलते हैं। अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म ना रखा होता लॉकिंग करने का, तो हमारा वेट की वजह से हमारा जो नी जॉइंट है ना वो बकल कर रहा था। अब ये लॉकिंग और अनलॉकिंग है क्या? ये बेसिकली आपकी टिबिया और फीमर की है रोटेशंस, कि जब आप एक्सटेंशन करते हैं ना तो टर्मिनल एक्सटेंशन के ऊपर आपकी टिबिया जो है ना वो रोटेट करती है और रोटेट करके ऐसी पोजीशन के अंदर आती है कि वो आपको लॉक कर देती है नी जॉइंट, और इसको और वो जब लॉक हो जाता है तो फिर आपकी जो है ना वो वेट बेरिंग भी आसान हो जाती है। और ये ओपन अब कैसे होगा कि अगर एक चीज लॉक है तो जब तक वो ओपन नहीं होगी आप फ्लेक्शन कैसे करोगे? उसमें एक आपका पोस्टीरियर साइड में मसल प्रेजेंट होता है पॉपलीटियस, जिसको हम कहते हैं लॉकस्मिथ। लॉकस्मिथ भी मसल उसका नाम मतलब उसको एज ए निक नेम उसका है लॉकस्मिथ कहते हैं, जो चाबियां बनाने वाला होता है। ठीक है, पॉपलीटियस अनलॉकिंग मसल है, वो चाबी है एक तरह की आपके ये एक्सटेंशन को फ्लेक्शन के अंदर लेके जाने की, कि वो जो लॉकिंग हुई हुई है ना वो रोटेशन को ऑपोजिट साइड पे रोटेट करके चाबी की तरह से वो घुमाता है आपके, रोटेशन कराता है, और आपका मसल जो आपका जॉइंट है ना वो अनलॉक हो जाता है एंड यू इजीली परफॉर्म फ्लेक्शन और वो जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है उसको पॉपलीटियस। ठीक है, लॉकिंग अनलॉकिंग इसको स्क्रीम होम मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये वैसे बायोमैकेनिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, बस वो ना समझ आया अभी तक लेके चल रहे थे, है ना। चलो इसको एक पढ़ लेना एक दफा दोबारा बुक से जाके पढ़ लेना, इसकी रोटेशंस देख लेना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है और कुछ? क्या चीज, क्या चीज फ्रंटल साइड होती है? आप स्कोलियोसिस को देखोगे कैसे कि वो जो व्यू है ना आपको स्कोलियोसिस का वो आपको पता कैसे चलेगा? लेटरल से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि ये कर्व बनी है, फ्रंट से या बैक से देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये लेटरल साइड पे लग रही है, वो व्यू की बात है। जो आप फ्रंटल व्यू में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कोलियोसिस लगा रहता है। लेट्स से मैं यहाँ सीधी खड़ी नहीं हूँ, ठीक है, अगर कोई कर्व हो लेटरल साइड की तो आपको फ्रंट से ज्यादा अच्छी पता चलेगी कि लेटरल साइड को पता चलेगी? फ्रंट से पता, वो फ्रंटल व्यू में जो है वो आपको स्कोलियोसिस का पता चलेगा, जो डेविएशन है ना डेविएशन का पता चलना वो आपका फ्रंटल व्यू में। ठीक है और कुछ? लगता है सिर्फ तुम पढ़ी हो और कोई नहीं पढ़ा। कब जाएगी ये, कहाँ जाएगी, कब खत्म होगी?
अच्छा चलो अच्छी बात है, जो चीज ना समझ में आए अगली दफा पूछ लेना, ठीक है? और ठीक है फिर छुट्टी करें, आप लोगों के नाम शाम मुझे बता दो। आज डेट क्या है? फर्स्ट हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम? सैयदा क्या क्या? सैयदा मनाल। आपका बेटा? आपका नेक्स्ट बेटा मरियम नदीम। आमिर का नाम मुझे अब याद हो गया फाइनली। तुम सोच रहे हो हाय हाय क्यों याद हो गया, है ना? चलो ठीक है बेटा जी, आप लोग छुट्टी करें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।